मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर तंज कसा है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें वहां एक साल में ही भाई साहब बना दिया गया है, जबकि कांग्रेस में सालों तक महाराज बनाकर रखा गया था। भिंड जिले के गोहद में एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने कहा, मुझे तो दुख इस बात का है कि जब वे राज्यसभा में पीएम मोदी की तारीफ कर रहे थे तभी मेरा मौका आया, तो मैंने कहा कि महाराज आप जितने अच्छे ढंग से पहले कांग्रेस का समर्थन करते थे उतना ही आज बीजेपी का कर रहे हैं। दरअसल बजट सत्र के दौरान राज्यसभा में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के बीच मजाकिया लहजे में बात हुई थी, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर बीजेपी का पक्ष रखा था, तो उसके बाद दिग्विजय सिंह जवाब देने के लिए खड़े हो गए। दिग्विजय सिंह ने कहा था, सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से सिंधिया जी को बधाई देना चाहता हूँ, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे उतने ही अच्छे ढंग से आज उन्होंने बीजेपी का पक्ष रखा है, आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज वाह। दिग्विजय सिंह की इस टिप्पणी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाथ जोड़ लिए थे और जब उनकी बात खत्म हुई तो कहा, सब आपका ही आशीर्वाद है। इसके बाद खुद दिग्विजय सिंह भी मुस्कुराने लगे। सिंधिया की यहाँ बात सुन दिग्विजय सिंह ने कहा, हमेशा रहेगा आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो हमारा आशीर्वाद आपके साथ है और रहेगा। इसके बाद राज्यसभा में ठहाके गूंजने लगे। यहाँ जुगलबंदी सोशल मीडिया में भी खूब वायरल हुई थी।